देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में छात्रा की हत्या की खबर है। बताया जा रहा है कि गला रेत कर इस छात्रा की हत्या की गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुटी है। हालांकि हत्या के कारण क्या है ये अभी पता नहीं चल पाया है, पुलिस यही जांचने की कोशिश में है। तो प्रेमनगर थाना क्षेत्र से एक छात्रा की हत्या की खबर मिल रही है। हत्या क्यों की गई है इसी की जांच में पुलिस लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के हाथों में इस बार कांग्रेस की बागडोर है, ये हम सभी जानते हैं। मगर हरीश रावत क्या चुनाव लड़ेंगे और अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, इसी पर हरीश रावत ने क्या कहा, चलिए हम आपको दिखाते हैं। टिकट मारने का काम मेरा नहीं है, ये काम है श्री देवेंद्र यादव जी का, श्री गणेश गोदियाल जी का। चुनाव लड़ेंगे? पार्टी कहेगी तो जरूर लड़ूंगा, नहीं तो चुनाव लड़ाऊंगा। 2002 में भी लड़ाया था मैंने, 2012 में भी लड़ाया था, क्योंकि मेरा अपना मानना है कांग्रेस को यहाँ चुनाव के वक्त में एक होल टाइमर कंपेनर की जरूरत है। देहरादून से बड़ी खबर है, विजय बहुगुड़ा का हरीश रावत पर प्रहार सामने आया है और कहते हैं हरीश बताएं कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुगुड़ा का ये सवाल है, पिछली दो बार दो जगहों से चुनाव लड़े, इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल है बहुगुड़ा का हरदा से। तो देखिए किस तरीके से वार प्रतिवार चल रहा है उत्तराखंड की सियासत में, जहां हरदा क्या कहते हैं और उसके बदले में सवाल जो पूछा है विजय बहुगुड़ा ने, कह रहे हैं कि पिछले दो बार दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे, इस बार क्या कहना है सुनिए आप। हरीश रावत जी बहुत मेहनती है, अच्छे आदमी है, मेरे मित्र है, मैं खुद ही कह रहा हूँ। बता देना किस विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारा तो कौन कहाँ से लड़ रहा है पता है ना। और आज वो बड़े अपने को सोच रहे हैं कि मैं लहर ला रहा हूँ, तो लहर ऐसी ना हो कि खुद ही उस लहर में डूब जाएं। तो मैं आज उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि भाई बड़े लोकप्रिय नेता हो कांग्रेस के, बता दो तो कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हो, एक विधानसभा से लड़ रहे हो कि दो विधानसभा से लड़ रहे हो। हल्द्वानी दौरे के दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने हरीश रावत पर पलटवार किया है। दरअसल हरीश ने कहा था कि अगर भाजपा ने उनकी पार्टी के साथ छेड़छाड़ की तो उसका अंजाम सही नहीं होगा। हरीश रावत जी तो इन चीज़ों की मास्टरी रखते हैं। पहले उनका कभी भी उन्होंने विकास की राजनीति नहीं की, जन कल्याण की राजनीति नहीं की, इस तरह की बयानबाजियों में लफाजी में ही समय निकालते रहे। आज समय है कि जब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने क्या क्या काम किया, अपने काम की बात क्यों नहीं करते। आज हरीश रावत जी बात करें कि जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान क्या क्या काम किया, उन्होंने अपनी योजनाओं को गिनाए और अपने जो उन्होंने फैसले लिए हैं जो उत्तराखंड के साथ पाप किए हैं उनके बारे में माफ़ी मांगे कि उन्होंने जुम्मे की छुट्टी की थी, कि उन्होंने उत्तराखंड के साथ इतना अन्याय किया था। और इधर हरीश रावत ने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है क्योंकि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। क्या लग रहा है अभी एट पार, अभी कहां खड़े हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों? राज्य की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, भाजपा ने इन 4.5 वर्षों से ज़्यादा समय में उनको निराश किया है। डबल इंजन का कहीं असर दिखाई नहीं दिया, बल्कि डबल इंजन का मतलब लोगों ने लगा लिया मुख्यमंत्री बदलो। और उत्तराखंड में इन दिनों नेताओं की घर वापसी की कवायद चल रही है, इसी पर हरीश रावत ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि राजनीति में लचीलापन जो है वो थोड़ा जरूरी है। क्या कहा उन्होंने सुनिए। राजनीति के अंदर कभी कभी हर धर्मी सिद्धांत पर खड़े रह करके नुकसान उठाते हैं, तो हम भी थोड़ा लचीलापन रखेंगे, लेकिन हम उतना ही लचीलापन रखेंगे जिससे हमारे कार्यकर्ता का अनहित भी ना हो, राज्य का अनहित भी ना हो, गलत आदमी भी ना आ पाए।